नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शंकर श्रीवास्तव। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऑटोडेस्क माया के अंदर जॉइंट्स को सीखेंगे। तो दूसरा, विंडोज के अंदर ही एक और तरीका है नोड्स, ओके, नोड्स एडिटर। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक इस प्रकार के पैनल जो है वो खुलकर आ जाता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का ज्वाइंट्स का ही है। ठीक है, मैं इसको साइड में रखता हूं और यहां से मैं आपको पूरा बताता हूं। ठीक है, तो यहां से भी सबसे पहले आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, किसके साथ किनको ज्वाइंट करना है। तो मान लीजिए मुझे करना है इनके साथ, इनको ज्वाइंट करना है, तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली मैं प्लस के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने प्लस के ऊपर किया, ये जो है कुछ इस प्रकार के एक्टिवेट हो गए। ठीक है, अब मैं दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूं और सेलेक्ट करने के बाद मैं साइड में कर लेता हूं। ठीक है, साइड में कर लिया, उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद डायरेक्टली मैं प्लस के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये वाले भी यहां पर आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू के अकॉर्डिंग ये जो है एडजस्टमेंट हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, इसको है ना कुछ इनके जो अंदर वाले डिफिनेशन है उसको भी मैं बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको थोड़ा विंडोज को बड़ा कर लेता हूं। मैंने विंडोज बड़ा कर लिया। अब देखिए मैं क्या करूंगा, सबको पकड़ करके ऊपर ले जाता हूं ताकि हमें समझ में बराबर आए। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, इस साइड में कर लेता हूं। अभी ये दोनों ज्वाइंट नहीं है, अब हमें करना है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, इसको फुल कर दूंगा। ठीक है, तो यहां से तीन वाले पे दबाएंगे तो ये जो है आ जाएगा। यहां पर देखिए रोटेशन स्केल और ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात ट्रांसलेट। ठीक है, अब मान लीजिए हमें रोटेट के साथ रोटेट को जोड़ना है तो बस प्लस का आकार पे क्लिक कर दीजिए। इसको बाहर आप कहीं भी ला सकते हैं, इसके ऊपर भी ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जहां मर्जी वहां ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रोटेट का हमारा सारा खुल चुका है। आप चाहे तो यहां पर भी रोटेट से खोल सकते हैं। एक प्रक्रिया तो ये है कि आप डायरेक्टली रोटेट को रोटेट से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जोड़ रहे हैं नर्व सर्कल को ज्वाइंट से जोड़ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां रोटेट के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया मेरे पास एक लाइन आ गया सांप के तरीके, और मैं चाहूं तो जिसमें चाहूं उसमें मैं इसे जोड़ सकता हूं। तो मैंने क्या किया, रोटेट को रोटेट में जोड़ दिया। अब देख लेते हैं इसका परफेक्ट, तो देख सकते हैं ये जो है रोटेट टू रोटेट ज्वाइंट हो चुका है, अर्थात ये तीनों ज्वाइंट हो गया है। ठीक है, जेड करता हूं मैं, कंट्रोल जेड किया, जेड। अब मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि भैया तू वाई में वाई में तू एक्स से हो जाए। ठीक है, तो मैंने किया वाई में एक्स से। अब यदि मैं वाई वैल्यू घुमाऊंगा तो नीचे जो है एक्स वैल्यू में चेंज आएगी। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ये दोनों हमारा बेसिक ज्वाइंट था। ठीक है, यहां से मैं जेड जेड का बटन दबा करके पीछे आ जाता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पीछे आ गया, एक बार घुमा के देखते हैं एक्टिवेट तो नहीं है हमारा। तो यहां देख लेते हैं, कोई भी एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, तो कोई भी नहीं है। मैं जेड का बटन दबा करके इसको सीधा कर लिया। ठीक है, फिर से इसको मैं बीच में लेकर आ जाता हूं, अल्ट का बटन दबाया और पकड़ करके यहां ले आया। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा जो मेन मेथड है ना वो बताऊंगा। जो हमने अभी दो मेथड बताया ये बहुत कम समय में इसकी यूज होती है, लेकिन बहुत ज्यादा यूज होती है कंस्ट्रेंट वाले इन सभी ऑप्शन को। तो जहां पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं पेरेंट पॉइंट ओरिएंट स्केल और एम, ये दो दो चार एक पांच प्रकार के अलग अलग ज्वाइंट है, पांच प्रकार के या और दो प्रकार के, वो सात प्रकार के ज्वाइंट जो है वो होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी प्रैक्टिकल क्लास चल रही है, आप चाहे तो हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको मैं एक एक चीज बहुत ही बारीकी से सिखाता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।